बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ुल्फ़िकार हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं बरकत फूड रेसिपी। आज बनाएंगे आपके लिए बहुत ही यूनिक सा नाश्ता जिसको आप ज़रूर पसंद करेंगे। इंशाल्लाह इसको आपने ट्राई ज़रूर करनी है, बना के ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में 2 चम्मच डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 अदद कटा हुआ प्याज, वो भी चॉप किया हुआ। प्याज को ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, बस इसको नरम करना है थोड़ा सा, जैसे नरम होता है दिखाते हैं। 1 पाव कीमा चिकन का, 1 चम्मच दही का डालेंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, बाकी सब 1-1 टीस्पून, काली मिर्च, गरम मसाला और नमक। दही डालने से चिकन अपना पानी छोड़ देगा और जल्दी ये नरम हो जाएगा। सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका 1/2 चम्मच, आधी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी मायोनीज और थोड़ी सी केचप। चिकन हमारा तैयार हो चुका है जी। ये चिकन बना रहे हैं फिलिंग के लिए, इसकी करनी है हमने फिलिंग, ठीक है। चिकन तैयार हो चुका, आग को कम कर दें बल्कि बंद कर दें और इसको ऐसे मिक्स कर लें थोड़ा सा, ये देखें, ठीक है। अब ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, हर तरह का फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। रेसिपी आपने देखी है माशाल्लाह। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप भाईजान सब्सक्राइब कर दें, और मेरे तमाम बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, किस किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें, मेहरबानी आपकी, ताकि हमें भी पता चल सके। 1 कप मैदा, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च अगर आप डालना चाहें टेस्ट के लिए, ठीक है। 1 अंडा, 7 पानी डालेंगे, इस तरह का बैटर तैयार करना है आपने, बिल्कुल ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ठीक है। ये 120 ग्राम मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक और उसके साथ 1 अंडा, ठीक है जी, 400 ग्राम पानी, उससे ये तैयार होगा आपका इस तरह का बैटर, ये देखें, ठीक है। इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई डली वगैरह ना रहे और ना रहनी चाहिए। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का और 2 चम्मच या 1.5 चम्मच मैदे का लेकर इसकी थोड़ी सी आपने, यानी कि जिसको लई कहते हैं, वो बना लें, ये देखें, ऐसे अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें ऐसे, थोड़ी इस तरह से आपने ये लई सी बना लें इसकी, ये बाद में बताता हूँ इसको आपने क्या करना है। आग को मीडियम करके फ्राई पैन रखें ऊपर और थोड़ा सा इसमें ऐसे ऑयल लगाएं चार हर तरफ,
देखिए, अब इसमें ये बटर डालेंगे, ये देखिए। ये तकरीबन 5-10-15 सेकंड में ये तैयार हो जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, ये एक तरफ से तैयार होता है तो इसकी साइड पलट देंगे। ये एक मरतबा ऐसे करना है आपने तो ये तैयार है। ये देखें तैयार हो चुकी है, तो इस ऐसे आप इसको निकाल दें और चम्मच नीचे से ना निकालें, ताकि इसमें जो पसीना आएगा वो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो प्लेट के नीचे पसीना आ जाता है, पानी आ जाता है, वो नहीं आएगा। तो ऐसे इसको रहने दें 2 मिनट। ऐसे ये देखें, देखें ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, सारी जो सारा मज़ा है वो तो चिकन का है जी। ठीक है, ये देखें, अब इसमें ये तमाम रोटियां जो मैंने बनाई हैं ये देखें आपके सामने। ठीक है, अब इसकी दो साइडें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि ये नीचे वाली साइड है, जैसे हम डालते हैं तो ये नीचे आ जाती है साइड। ठीक है, इस साइड को आपने ऐसे करना है। ठीक है, और जो ऊपर वाली साइड है उसको आपने छोड़ना है, ये देखें ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें मैं फिलिंग करूँगा, थोड़ा सा चिकन डालेंगे, ये देखें ऐसे। ऐसे चिकन डालने के बाद ये इसको ऐसे कर देंगे, ये देखें। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे ब्रश की मदद से जो हमने बटर तैयार किया है, लई जिसे बोलते हैं, और फिर इसको दूसरे को ऐसे ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ये देखें, ताकि ये हमारा खुले ना। ठीक है, और इस तरफ पे लगाकर ये देखें, ऐसे लगा के इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये देखें ऐसे इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे, ये देखें। अब ये हो गया बंद। ठीक है जी, आपके सामने माशाल्लाह ये देखें, और ये हमारा खूबसूरत सा स्नैक तैयार हो चुका है। अब इसको रखेंगे इधर, और इसी तरह मैं सारे बना लूँगा। ठीक है, बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये सारे तैयार कर लिए हैं, 8 पीस बने हैं, ये देखें। ठीक है, बेहतरीन ब्रेकफास्ट है ये, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है, लाजमी आप बना के देखें, इंशाल्लाह इसको आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इस तरह आप बना कर इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए। अब इसको फ्राई करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा ऑयल डालें। और एक साइड पे ऐसे इसको रख लें। इस वक्त पे आके आपने ये देखें ऐसे इसको पलट लें। इसको भी पलट दें, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितने बेहतरीन आपके सामने ये स्नैक बने हैं हमारे। बाकी सारे आपको बना के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा सा ब्रेकफास्ट आपके लिए तैयार कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, दुआओं में याद रखें, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावे से कहता हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और जब आपको पसंद आए तो आपने इसको बना के ज़रूर देखना, बड़ी मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह मेहमानों के लिए बनाएं, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, सब जितने भी आपके घर वाले हैं जो इस चीज़ को पसंद करता है उसके लिए बनाएं, इंशाल्लाह आपका नाम होगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। या हय्यू या क्यूम, अस्सलाम वालेकुम।